हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस देवानी संस्कृत पाठमाला भाग चार त्रयोदश पाठ आचार्य चाणक्य। ठीक है, आचार्य चाणक्य के बारे में जानते हैं बच्चों। नाम सुना होगा हमने आचार्य चाणक्य का, कि चाणक्य कौन थे उनके बारे में और अच्छे से जान लीजिए। आज चाणक्य कौन थे, देखिए ये चाणक्य है। सीरियल भी आता था चाणक्य, वो आपने शायद नहीं देखा होगा। चाणक्य की कूटनीति बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। आप देखना कि चाणक्य के अंदर इतनी बुद्धि थी कि अपनी बुद्धि से इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे वो। आइए चलिए जानते हैं। कौटिल्य नामना प्रख्यात आचार्य चाणक्य विश्वस्त राजनीतिज्ञेषु अग्रगण्य आसीत। कौटिल्य के नाम से मशहूर आचार्य चाणक्य दुनिया के सबसे अग्रणी राजनेताओं में से एक थे। अस्य मूल नाम विष्णुगुप्त आसीत। इनका जो मेन नाम था बचपन का नाम, वो क्या था, विष्णुगुप्त था। अस्य मूल नाम विष्णुगुप्त आसीत। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। अयम तक्षशिला समीपस्य चाणक नाम ग्रामस्य निवासी आसीत। ये तक्षशिला के पास चाणक नाम के गांव में रहते थे, अतः अस्य स्थानीय नाम चाणक्य इति आसीत। इसलिए इनका जो स्थानीय नाम था वो चाणक्य हो गया था। चाणक ऋषि पुत्रत्वात् अपि अयम् चाणक्य इति कथ्यते। चाणक ऋषि के कुल में जन्म लेने के कारण इनका नाम, इनको क्या कहते थे, चाणक्य कहते थे। इनका अस्य जन्म कुटिल गोत्रे अभवत्। इनका जन्म कुटिल गोत्र में हुआ था। अनेन कारणम अयम् कौटिल्य नामना भी प्रसिद्ध जाता है। इस कारण से ये कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि इनका जन्म कुटिल गोत्र में हुआ था, इसलिए ये कौटिल्य कहलाए जाने लगे। जने केचन विद्वान से मन्यन्ते यत अयम कुशल कूटनीतिज्ञ आसीत, अतः अयम कौटिल्य नामना विख्यात अभवत्। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे और इसीलिए उनको कौटिल्य नाम से वो विख्यात हुए थे। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं क्योंकि बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे वो। राजनीति में तो ऐसा सब होता ही है, तो ये उस समय में इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए इनको कौटिल्य नाम से जाना जाता है। अस्य जन्म स्थान विषय विदुषाम मत वैभिन्यम वर्तते। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में आपस में मतभेद है। ऐतिहासिकानां मतमस्ति यत् आचार्य चाणक्यस्य जन्म गंधार जनपदस्य तक्षशिला नामक नगरे अभवत्। ऐतिहासिककारों का मत है, उनका मानना यह है कि आचार्य चाणक्य का जन्म गंधार देश के तक्षशिला नामक नगर में हुआ था। अयम तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अलभत। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। आचार्य पाणिनी अपि अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये आचार्य पदम अकरोत्। जो आचार्य पाणिनी थे उन्होंने भी इस विद्यालय में आचार्य के पद पर वो कार्यरत थे। आचार्य चाणक्य अपि अत्रैव अध्यापनम अकरोत्। आचार्य चाणक्य ने भी यहाँ से शिक्षा, आचार्य चाणक्य ने भी, आचार्य चाणक्य ने भी शिक्षा यहीं पर दी थी। चाणक्य कृष्ण वर्ण दीर्घ शिख स्थूल औष्टैः अतीव कदाकार चैक ब्राह्मण आसीत। चाणक्य कैसे थे, उनकी कदकाठी कैसी थी, उनका गहरे रंग वाले थे, यानी कि कृष्ण वर्ण था उनका, सांवले थे और उनकी क्या थी, लंबी दाढ़ी थी और उनके जो होठ थे वो मोटे थे और इनका कद अच्छा कद था इनका और ये ब्राह्मण थे। किंतु बुद्धि कौशलेन अयम अप्रतिम कूटनीतिज्ञ आसीत। लेकिन बुद्धि के बारे में अगर जाए, क्योंकि इनकी कदकाठी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनका कद थोड़ा छोटा और गहरा रंग था इनका, सांवला लंबी दाढ़ी थी और इनके मोटे होठ थे, परंतु बुद्धि कौशल में वो एक अद्वितीय कूटनीतिज्ञ थे, एक अद्वितीय कूटनीतिज्ञ थे वो। एकदा असौ मगध देशस्य यज्ञ नंदस्य सभाम अगच्छत। एक बार ये मगध देश के नंद राजा के सभा में गए। सौंदर्य विहीनम तम ब्राह्मणम राजा नंद अनिंदत। ये सौंदर्य, इनको सुंदरता नहीं थी इनकी, तो सुंदरता से रहित होने के कारण उस ब्राह्मण, उस राजा ने इनका अपमान किया, निंदा की इनकी। अपमानित है चाणक्य नंदात स्वापमानस्य प्रतिशोधाय निश्चयम अकरोत्। अपमानित होने पर चाणक्य ने नंद से अपना बदला लेने का निश्चय किया। अनंतरम अयम चंद्रगुप्तस्य सहायेन
कूटी नीति बलेन च नंद सदृशन आकाताई नाम विनाश्य मौर्य साम्राज्यम स्थापितवान। इन्होंने बाद में क्या किया, चंद्रगुप्त और कूटनीतिक बल की मदद से क्या किया, नंद जैसे आक्रमणकारियों को नष्ट कर दिया और मौर्य समाज की स्थापना की। राजनीति अवलंब्य अयम पंच ग्रंथान रचयत, राजनीति पर आधारित इन्होंने पांच ग्रंथ लिखे जिनमें कौटिल्य अर्थशास्त्रम इति ग्रंथ राजनीते अर्थनीते च अप्रतिम ग्रंथ वर्तते। जिनमें से कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है राजनीति और अर्थशास्त्र पर एक अद्वितीय रचना है। सबसे बड़ा इनका जो शास्त्र है वो कौन सा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसको इन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध इनका काव्य है ये जो इन्होंने रचा है और ये इनका एक बहुत सुंदर रचना है। तो आपने जाना बच्चों कि इनके बारे में कि ये दिखने में बिल्कुल साधारण थे लेकिन इन कदकाठी पर ना जाए, सौंदर्यता पर ना जाए, लेकिन बुद्धि इनका बुद्धि चातुर्य इतना था कि ये बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ भी इनके आगे फेल थे। इतनी इनकी राजनीति बढ़िया थी, इतने कूटनीतिज्ञ थे। जब एक बार राजा नंद ने इन पर इनको अपमानित किया इनकी शारीरिक बनावट को देखकर, तो इन्होंने निश्चय कर लिया और निश्चय से ही इन्होंने क्या करा, फिर चंद्रगुप्त के साथ मिलकर राजा नंद को हराया और फिर मौर्य वंश की स्थापना भी की। जैसा कि आपने देखा मौर्य साम्राज्य स्थापित किया और चंद्रगुप्त मगध राज का राजा भी बन गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने चाणक्य के बारे में जाना कि कितने कूटनीतिज्ञ थे ये, कि इनसे अगर कोई एक बार मिल ले तो इनका लोहा मानता था कि ये इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। पाठ में आए हुए कुछ शब्द उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। विख्यात प्रख्यात है यानी कि प्रसिद्ध, राजनीति येशु राजनीति को जानने वालों में, और अग्रगण्य प्रमुख निवासी रहने वाला, कथ्यते माने कहा जाता है, विदुषाम माने विद्वानों का, मत वैर्भिन्यम मतभेद, विश्वविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी, और अलम अकरोत यानी कि अलंकृत किया, कृष्ण वर्ग माने काले रंग वाला, दीर्घ शिखा लंबी चोटी वाला, और स्थूल औष्ठ्य माने मोटे होठ वाला, कदाकार माने बद सूरत, बुद्धि कौशले बुद्धिमानी से, और अप्रतिम माने अद्वितीय, कूटनीतिज्ञ कूटनीति को जानने वाला, अपमानित है अपमान युक्त, अनंतरम माने बाद में, आतताई ने माने आतंकवादी, विनाशी माने नष्ट करके, स्थापितवान माने स्थापित किया, अवलंब्य माने आधारित, राजनीति माने राजनीति का, अर्थनीति माने अर्थशास्त्र का यानी कि पॉलिटिक्स राजनीति, और इकोनॉमिक्स क्या है अर्थशास्त्र, ग्रंथ पुस्तक। तो इस प्रकार बच्चों अपने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना, कुछ अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य चाणक्य कहलाते, आचार्य चाणक्य कौन थे, विश्वस्य राजनीतिक देशु अग्रगण्य आसीत, आचार्य चाणक्य विश्व के राजनीतिज्ञों में सबसे अग्रगण्य थे आगे थे, सह कस्य ग्रामस्य निवासी आसीत, वो किस गांव के रहने वाले थे, आचार्य चाणक्य चाणक नाम ग्रामस्य निवासी आसीत, वो चाणक नाम के गांव के निवासी थे, सह कुत्र शिक्षा मलभत, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, सह तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा अलभत, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, सह कुत्र अध्यापनम अकरोत, उन्होंने कहाँ अध्यापन किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय सह अध्यापनम अकरोत, वहीं पर उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। आचार्य से चाणक्य से ग्रंथ से किम नाम आसी, आचार्य चाणक्य के ग्रंथ का क्या नाम है, आचार्य चाणक्य ग्रंथ से नाम कौटिल्य अर्थशास्त्र अस्ति। एक्सरसाइज नंबर टू है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, चाणक्य मूल नाम दैश आसित, चाणक्य का मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त आसित, चाणक्य जन्म स्थान विषय दैश मत वही भिन्नम वर्तते, चाणक्य जन्म स्थान विषय विदुषाम मत वही भिन्न वर्तते। नेक्स्ट है, आचार्य पाणिनी अपि अस्मि स्नेहा विश्वविद्यालय आचार्य पदम अलम करो, आचार्य पाणिनी ने भी इसी विश्वविद्यालय में आचार्य पद किया था। अपमानित है चाणक्य नंदा स्वपमानस्य, निश्चय में करो स्वपमानस्य
प्रतिशोधन अकरोत्। चंद्रगुप्त देश राजा संजाते, चंद्रगुप्त मगध देशु देशेशु राजा संजाते, चंद्रगुप्त मगध देश का राजा हो गया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। पहला हमारा प्रश्न है, अग्रगण्य की शब्द से अर्थ अस्ति, अग्रगण्य इस शब्द का क्या अर्थ है? सबसे आगे या गिनती करना या प्रमुख? सबसे आगे। मगध देशस्य इति पदम अस्ति, मगध देशस्य कौन सी विभक्ति, कौन सा पद है ये? तृतीया, षष्ठी या पंचमी? षष्ठी विभक्ति है। तपसी इति पदम अस्ति, तपसी ये पद कौन, तपस्या, तपस्या ये है, तपस्या करी, इसलिए हमने स्त्रीलिंग में है। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, पदों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे ये है दीर्घ शिखर, यानी कि दीर्घ और शिखा, बड़ी चोटी, स्थूल और क्या है ओष्ठ, बुद्धि और कौशल, प्रतिशोध, प्रति शोध, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये अलग अलग करके हमने इनको, पृथक पृथक मतलब अलग अलग करके हमने इनको लिखा। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक पद में हमें उत्तर देना है। चाणक्य से मूल नाम किम अस्ति, केवल एक शब्द में देना है। क्या नाम था उनका? विष्णुगुप्त। अस्य जन्म कस्मिन् गोत्रे अभवत्, इनका जन्म किस गोत्र में हुआ था? एकदा से कस्य राज्य सभा में गच्छत, एक बार वो किसके राज्य में गए? नंद, नंद राज्य से। सह कस्य राज्य से राजा संजाता है, वो किस राज्य के राजा हुए? मगध देश। चाणक्यम कह राजा अभिनंदत, चाणक्य का किस राजा ने अभिनंदन किया? चंद्रगुप्त। चाणक्य का किस राजा निंदा की, किस राजा ने? मगध देशस्य। तो इस प्रकार एक पद में उत्तर देने हैं, चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। किस गोत्र में इनका जन्म हुआ था? कौटिल्य गोत्र में। किस राजा ने इनको अपनी सभा में बुलाया? नंद राजा ने। वो किस राज्य के राजा हुए? मगध देश के। चाणक्य को किस राजा ने उसकी निंदा की? मगध देश के राजा। एक्सरसाइज नंबर 6, शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य का निर्माण करना है। दीर्घ शिखा लंबी चोटी, चाणक्य दीर्घ शिखा धारयति, लंबी चोटी रखता है। कदाकार है भद्दाकद, यानी कि सह कदाकार है आसीत, उसका छोटा कद था। स्थूल ओष्ठ मोटे होठ, चाणक्य से ओष्ठा स्थूला संति। राजनीतिज्ञ राजनीतिक, सह कुशल राजनीतिज्ञ आसीत, अप्रतिम अद्वितीय, सह अप्रतिम आसीत, वह अद्वितीय था। तो इस प्रकार बच्चों आपने पाठ में, चाणक्य पाठ में आए हुए चाणक्य के बारे में, चाणक्य के अंदर शारीरिक सुंदरता ना होते हुए भी जो उनका बुद्धि का कौशल था वो बहुत अद्वितीय था, अप्रतिम था, जिसको देखकर अच्छे अच्छे राजा भी हार मान लेते थे। वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। उनका लिखा हुआ कौटिल्य अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है, उसको पढ़कर लगेगा कि कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार हमने चाणक्य के बारे में जाना, चाणक्य ने जब राजा ने उनकी निंदा की तो उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से उनको हराकर उस राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त किया। तो इस प्रकार थे हमारे चाणक्य। तो इस प्रकार बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आभार।